हमारे आदमी को ले लेके कावड़ लेने भेज देते हैं, इनके बच्चे कहाँ जाएंगे? इनका एक भी बच्चा जाता है कावड़ लेने? किसी डॉक्टर का बच्चा देखा आपने कावड़ लेने जाते हुए? किसी इंजीनियर का बच्चा देखा आपने कावड़ लेके जाते हुए? एक मरेगा चंदे देगर तो हजारों पैदा होंगे, मेरा दावा है। बहुजन समाज नहीं रहा, ईंट का जवाब पत्थर से देना जाना। चला गया सारा केदारनाथ का सोना, सब लूट के खा गए, चुनाव में लगा दिया। का हिंदू खतरे में, एक हिंदू प्रधानमंत्री है, एक हिंदू सीएम है, सब जगह हिंदू बैठे। अब काम वो लोग करेंगे, राज हम करेंगे, आप अलग देश बना लेंगे। बिल्कुल बनेगा, एक दिन ऐसा आएगा। उत्पीड़न भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत तो हमारा है ना, तो कब तक ये भाई अपने मुंह पे मुतवाते रहेंगे? ये बाबा साहब ये सब विदेशों में इन्होंने मकान खरीद रखे है, पता है आपको? ये क्योंकि यहाँ से भागेंगे। आज पूरे देश के अंदर भीम आर्मी कुर्सी वो हिलाने वाली बन गई है। आज जब उनकी कुर्सियाँ हिल रही है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। अगर कोई मुसलमान होता तो उसकी ऐसी तैसी कर देते ये लोग। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहितवाद। जैसा कि आप सभी को पता है, चंद्रशेखर आजाद रावण पर बीते दिनों 4 राउंड की गोलियां चली, फायरिंग हुई, घायल भी हुए, लेकिन जान की हानि नहीं हुई और वो बच गए। जिसके बाद तमाम लोग भीम आर्मी के और आज़ाद पार्टी के तमाम लोग लगातार अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और वाई प्लस सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इसके साथ और भी कई मांगे हैं, उसी को लेकर आज एक बार फिर तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और उनसे हम जानेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनके मांगे हैं। जी मांग ये जिस तरीके से माननीय चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काफिले पर कायराना हमला जो किया गया है, ये मनुवादी ताकत है जिस तरीके से बहुजन मूवमेंट को ख़त्म करना चाहती है। आज इनके एक पेट में दर्द हो रहा है कि एक गरीब समाज का एक बच्चा जो कि इतनी मेहनत करके आज पूरे देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहा है। आपने देखा होगा चाहे राजस्थान हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, यूपी हो, पूरे देश के अंदर कहीं भी किसी भी जाति धर्म के लोगों के साथ कोई भी उत्पीड़न का मामला आता है, कोई एट्रोसिटी का मुद्दा आता है तो सबसे पहले माननीय चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता अपनी बहनों को न्याय दिलाने का काम करता है और इन जैसे जाति मानसिकता के लोगों को जेल में डालने का काम करते हैं। तो भीम आर्मी की बढ़ती हुई ताकत, आज़ाद समाज पार्टी के बढ़ते हुए काफिले को देखते हुए ये लोग इस तरीके के काराना जो है हमले करा रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, एक चंद्रशेखर को मारने से ये मिशन ख़त्म नहीं होगा। आज चंद्रशेखर वो आगे वो सैलाब है, उन्होंने पूरे देश के अंदर करोड़ों चंद्रशेखर रावण पैदा कर दिए हैं। मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ, मेरा नाम सुरेश चावरिया है और इसकी घोर निंदा करता हूँ हमले की। पूरा देश का वाल्मीकि समाज माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ खड़ा है। अगर जहाँ पे उनका पसीना बहेगा तो अपना एक एक खून का कतरा देने के लिए तैयार है। इस बहुजन मिशन को अब कोई पीछे नहीं धकेल सकता। आप देखा होगा माननीय हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण के बाद जिस प्रकार से मिशन ठंडे बस्ते में चला गया था, तो एक चिंगारी जो निकली थी राजस्थान की धरती से माननीय दीना भाना वाल्मीकि जी ने जिस प्रकार से पूरे मूवमेंट को देश में खड़ा किया, साहब काशी राम जी को काशी राम बनाने वाले दीना भाना वाल्मीकि जी के वंशज हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के हम वंशज हैं। इस मिशन को बिल्कुल रुकने नहीं देंगे। माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के इस मूवमेंट को और तेज़ी से तैयार करेंगे और देख लेंगे तुम्हारी गोलियां भी। आप कह रहे हैं कि चंद्रशेखर की बढ़ती ताकत से लोग डर गए, कौन डर गया है? देखिए कौन डरेगा, जो सत्ता में बैठे वही तो डरेंगे ना। बाबा साहब ने कहा है कुर्सी में बैठने वाले मत बनो, उसको हिलाने वाले बन जाओ। आज पूरे देश के अंदर भीम आर्मी कुर्सी वो हिलाने वाली बन गई है। आज जब उनकी कुर्सियाँ हिल रही है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है कि गरीब के बच्चे, दलितों के बच्चे क्यों इतनी आवाज़ वो उठा रहे? क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। आज हमारे लोग शिक्षित भी हो रहे हैं, राजनीति को समझ रहे हैं और ये जो आडंबरवाद पूरे देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों पर उन्होंने थापा है वो सब समझ रहे हैं, इनकी रणनीति को समझ रहे हैं। इसलिए हमारे लोग तैयार हो रहे हैं, हमारे नौजवान साथी तैयार हो रहे हैं। आज हमारे हक अधिकारों को मांग रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद उनके मित्र हैं, उनको सुरक्षा दी जाएगी। इससे पहले मित्र नहीं थे चंद्रशेखर जी? इससे पहले और दलित समाज के लोगों को रोज जूते में पानी पिलाने का काम करते यूपी के अंदर, देखा आपने? कल भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसके अंदर एक ब्राह्मण समाज
ठाकुर समाज का जो आदमी है वो जूते में पानी भर के और एक हमारे दलित समाज के व्यक्ति को पिला रहा है, लात घूसों से बात कर रहा है। मतलब चंद्रशेखर साहब तो पढ़े लिखे हैं ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं आज वो आवाज़ उठा रहे हैं, बुलंद करें, लेकिन ऐसे ऐसे गांव, ऐसे ऐसे कस्बे हैं जहां पे हमारे लोग शिक्षित नहीं हैं, आज भी जाति व्यवस्था के आधार पे उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, तो ये गलत है बिल्कुल, इसकी घोर निंदा करते हैं हम। और देश में पूरे गांव में घूम घूम के अपने लोगों को तैयार करने का काम कर रहे हैं। अभी तो बहुत बड़ा जनसैलाब आएगा और जनसैलाब के अंदर भाजपा और अन्य पार्टी जो जातिवादी मानसिकता की सोच रखने वाली पार्टी है, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, भाईचारा देश के अंदर कायम रखो, कि ऐसा ना हो बाबा साहब ने जिस प्रकार से दलित स्थान की बात की थी, हम दलितों का एक अलग ही देश होगा, आप अलग देश बना लेंगे। बिल्कुल बनेगा, एक दिन ऐसा आएगा उत्पीड़न, भारत को तोड़ना चाहते हैं। भारत तो हमारा है ना, बाबा साहब के संविधान में, तो सिर्फ आपका नहीं है ना। नहीं नहीं, सुनिए, देश पूरे सभी लोगों का है, लेकिन जातिवादी मानसिकता के लोगों ने जिस प्रकार से देश को तोड़ने के लिए जो राजनीति भ्रमण फैला रखा है कि दलितों को मारो पीटो, ये कहाँ का न्याय है? अब जाति धर्म क्यों बदलते हैं लोग, बौद्ध धर्म में क्यों जा रहे हैं? अभी देखा हुआ राजेंद्र पाल, माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने अपने 10,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म क्यों ग्रहण करा? यूपी में मनीषा वाल्मीकि की बहन के साथ जो प्रकरण हुआ उसको रातों रात जला दिया गया, उसके बाद बाबा साहब के पौत्र राजरतन जी के नेतृत्व में बहुत सारे लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण करा। तो ये सोच ही ना, हम हिंदू हैं या दलित हैं, जब लड़ाई लड़ने की बारी आती है तो हमें हिंदू बना के पेश किया जाता है, लेकिन जब हम अपने हक और अधिकार की आवाज़ उठाते हैं उनसे, आपका अधिकार ठीक है, आप जिस बाबा साहब की बात कर रहे हैं उसी बाबा साहब ने संविधान में लिखा है कि भारत एक यूनियन स्टेट है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, और आप तोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, तोड़ने की बात नहीं कर रहा, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जो हमारी हड्डियां तोड़ रहे हैं हम उनको जरूर तोड़ेंगे, ध्यान रखना। भारत अखंड भारत है, लोकतांत्रिक देश है, और ये जो लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अरे भाई हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही बना हुआ है, भाजपा की सरकार है, हिंदुत्व वालों की सरकार है, श्री राम को मानने वालों की सरकार है, परशुराम को मानने वालों की सरकार है, तो हिंदू तो पहले ही, हिंदू कहाँ खतरे में? लगातार सोशल मीडिया पे खबरें चलती है हिंदू खतरे में, कहाँ हिंदू खतरे में? एक हिंदू प्रधानमंत्री है, एक हिंदू सीएम है, सब जगह हिंदू बैठे, कहीं मुस्लिम बैठा, कहीं दलित बैठा, तो बताओ, हम इनके धर्मों को, हम क्षत्रिय कौम से आते हैं, वाल्मीकि जो कौम है वो क्षत्रिय है, मल मैला मूत्र अपने सर पर ढो लिया, लेकिन अपनी बहन बेटे को कभी मुगलों के आगे नहीं किया, शासन प्रशासन के आगे झुकने नहीं दिया, इसलिए जो है इस कौम को छेड़ा ना जाए, हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, और सभी जाति धर्मों से हमारा प्रेम है, हमारी किसी से जाति दुश्मनी नहीं है, सब भाई हैं, आप सत्ता में बैठे हो अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं और अच्छे काम करो, समाज के अंदर एक मैसेज जाए, भाईचारा बने, भीम आर्मी के लोग यही चाहते हैं, मानता सम्मानता का अधिकार चाहते हैं, भारत को बांटने की बात नहीं करते हम। आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि इसमें राजनीतिक पार्टियों का जो हमला हुआ उसमें राजनीतिक पार्टी मिली हुई है, कौन है और कौन मिला हुआ, कौन हमला करा रहा है? देखिए, सत्ता में कौन है आपको नहीं पता, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है वहाँ सत्ता के अंदर है, केंद्र में सरकार किसकी है? स्टेट में सरकार यूपी की है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो आप देखिए ना, संरक्षक देने का काम कर रहे हैं, आज यही लोग किसी अपर जाति के नेता के ऊपर, दलित समाज का कोई आदमी गोली चलाता तो उसके घर पे बलडूजर चल जाता, उसको जान से मार दिया जाता, उसके बच्चों को रोड पे लाया जाता, लेकिन ये जाति देख के न्याय की बात करते हैं, तो समझना पड़ेगा, जातियों में बटावा समाज कभी भी हुक्मरान नहीं बन सकता। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ अपने बहुजन समाज के लोगों को, कि 50 से 60 साल में एक नेता पैदा होता है बहुजन का, बड़ी मुश्किल से तैयार किया चंद्रशेखर रावण जी को, उसको खोने मत दो, उनका हाथ पकड़ो, टांग मत खींचो, एक बार हाथ पकड़ के संसद तक तो भेजो, आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। आप कहते हैं दलितों और पिछड़ों को सुरक्षा नहीं मिल रही है, लेकिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं जीतन राम मांझी के बेटे को Y+ सुरक्षा मिली है, केंद्र ने दिया है। देखिए, बहुत सारे हमारे दलितों के नेता बैठे हैं, जब हमारी बहन बेटियों के साथ जनजातीय अत्याचार होता है तो उनकी एक ट्वीट तक नहीं आता, तो इससे मानसिकता जो है, मानसिक गुलाम तरीके के जो लोग बैठे हैं ना सत्ता के अंदर, सिर्फ उनको सत्ता से प्यार है, कुर्सी से प्यार है,
और वोट की ताकत हम अपने लोगों को समझा रहे हैं लगातार कैडर के माध्यम से। इतने सारे सांसद मंत्री होने के बाद भी हमारे न्याय को नहीं लड़ सकते, वो सिर्फ उनको अपनी कुर्सी से प्यार है और अपना घर भरने का काम कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें उनकी कुर्सी उन्होंने तो सुरक्षा दी है ना पिछड़े को? नहीं देखिए दी है, लेकिन उस तादाद में जिस तादाद में हमारे लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। किस तादाद में चाहिए, क्या आपकी पूरी डिमांड क्या है? डिमांड हमारी ये है माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को जेड प्लस की सुरक्षा दी जाए, और जो उनके साथ हमारे साथी रहते हैं उनको लाइसेंस दिया जाए। हमारी किस चीज़ का लाइसेंस? बंदूक रखने का जो लाइसेंस होता है वो लाइसेंस दिया जाए, ताकि उनकी जान माल को जो आज खतरा है वो अपनी सुरक्षा के लिए वो रख सके। बस इतना ही तो मांग है हमारी, इससे ज़्यादा क्या मांग है? अगर आज जो कायराना हरकत हुई है, हमला हुआ है, इसमें माननीय चंद्रशेखर आजाद जी की अगर जान चली जाती तो कौन जिम्मेवार था इसका? शासन प्रशासन तो जिम्मेवार है ना। आप बागेश्वर वाले बाबा को जेड सिक्योरिटी दे रहे हैं, वो तो अपने आप को भगवान का रूप मानते, तो उनको भगवान को डरने की किस क्या मतलब आवश्यकता पड़ गई? किससे भगवान क्यों डरेगा, तो खुद स्वयं भगवान है, कृष्ण के अवतार बताते अपने आप को। तो ये सब चीज़ ठीक नहीं है। आडंबरवाद पाखंडवाद जो फैला रहे उन लोगों को आप संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन जो बहुजन समाज के लोगों की रक्षा वो पर्चा बनाते हैं बागेश्वर बाबा पे सवाल उठा रहे, वो आपका भी पर्चा निकाल देंगे? निकालो ना भैया, पर्चा निकालो। मेरी तो मेरे को पंद्रह साल से शादी नहीं, बताए बाबा बागेश्वर वाले के मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, मेरे कितने बच्चे होंगे या हैं प्रेजेंट में, बताएं मुझे आप। तो दरबार जाएंगे तब बताएंगे भाई ना? हम दरबार में क्यों जाए, हमारा जनता दरबार यहीं पे लगवा देंगे। हम बुलाए बागेश्वर वाले बाबा जी को, हम भी देखते हैं उनकी क्या ताकत है, कौन से भगवान के बागेश्वर वाले बाबा से ये बोलो ना, पाकिस्तान वालों को क्यों नहीं परेशान करता, चाइना हमें लूट के खा रहा अरुणाचल प्रदेश के अंदर, हमारा पूरा सब चाइना ने ले लिया, उनसे बोलो ना उनको बैक करे, या हमारे लिए बाबा पैदा हो गए हैं ये बाबा साहबा। ये जो है ना ये पाखंडी लोग हैं, ये बीजेपी और आरएसएस की चाल है किसी तरीके से कि हिंदू राष्ट्र इसको बना दिया जाए, और हमारे ही लोग ज़्यादातर उसके अंदर जाकर के मर रहे हैं। मैं अपने लोगों से एक अपील करना चाहूँगा, इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। अगर बाबा साहब अगर इन बाबाओं के चक्कर में होते ना, आज वो बाबा साहब नहीं होते, क्योंकि उन्होंने देश का संविधान लिखा। इन चीज पाखंड से अलग रह करके उन्होंने पढ़ाई की है, 32 डिग्री 9 भाषाओं का ज्ञान लिया है। वो अगर वो बाबाओं के चक्कर में रहते तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाते और देश के सिंबल ऑफ नॉलेज नहीं बनते हो। उनकी लोकप्रिय इतना बड़ी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी लोग आते हैं उनके पास, अमेरिका से लोग आते हैं। आते होंगे जिन्हों को भैया पढ़ाई पे विश्वास नहीं होगा, शिक्षा पे विश्वास नहीं होगा, वो लोग आते होंगे। ये एक न्यूरो की प्रॉब्लम होती है जो पेशेंटों को हो जाती है, और वो जाके बाबा को दिखाते हैं, बाबा थोड़ा सा मंत्र मार देते हैं तो उनको कुछ वहाँ पे अपनी जो अंदर की फीलिंग होती है ना, वो एक न्यूरो का है, वो डॉक्टरी कराए तो ठीक हो जाती है वो चीज़ें। अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो बाबा से बच जाओगे। बाबा जो है लाखों रुपये खींचने का काम करते हैं इनसे, ठीक है, हमारे लोग इनको पैसे दे देकर जा कर के इन्हें मजबूत कर रहे हैं इन लोगों को। इनको पैसे वैसे मत दो, देखो फ्री में किसी को इलाज करके दिखाते, मैं मान जाऊंगा आपकी बात के सच है। बाबा को एक रुपए का चढ़ावा मत दो। वहाँ पे अगर चढ़ावा देने जाते हैं, जैसे माला डालने गए तो 5100 रुपये, अगर बाबा से मिलना है तो 1,00,000 रुपये, अगर बाबा की पूरा साथ में बैठना रहना है तो 1,50,000 रुपये रेट तय कर रखा है। तो बाबा वो होते हैं सन्यासी, वो होते हैं जो निस्वार्थ होते हैं, जिन्हों को पैसे की जरूरत नहीं होती, जो जन कल्याण के लिए काम करते हैं, उन्हें बाबा कहते हैं। बाबा थे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, भगवान महर्षि वाल्मीकि जी, समझ गए, ये होते हैं महात्मा। ये महात्मा नहीं है, बिजनेसमैन आदमी है, ये बिजनेसमैन आदमी है और कुछ नहीं है देश के अंदर। और जो चंद्रशेखर साहब के साथ गलत हुआ है, देश के अंदर बहुजन समाज की जो अब ताकत है ना, बहुत 4 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो 85% हमारा समाज है, उनकी सरकार बनने वाली है, तो इसलिए जो जाता है ना धीरे धीरे, उनके एक दर्द होता है। एक दर्द किस बात का होता है, क्योंकि वो सरकार बिल्कुल बदलने वाली है। पहले कांग्रेस ने राज किया 70 साल, अब आ गए ये मोदी जी, आ गए 8-10 साल से ये राज कर रहे हैं, तो हमारा नंबर कब आएगा? तो अब जो नंबर आने वाला है ना, इसलिए ये डरे पड़े हैं सारे लोग। तो हम चाहते हैं कि पूरा बहुजन समाज एक जगह होकर के अपनी सरकार बना ले किसी भी तरीके से, फिर हम अपने हिसाब से देश चला लेंगे। ये बाबा साहब ये सब विदेशों में इन्होंने मकान खरीद रखे हैं, पता है आपको, ये क्योंकि यहाँ से भागेंगे जैसे ही बहुजन समाज की यहाँ पे बहुजन समाज पे आते। क्या लगता है आपको, बहुजन इस बार बहुजन सारे मिलके और बीजेपी का सफाया कर देगी? देखिए होना तो यही चाहिए, ये बहुजन समाज ही है जो आज तक भाई उनके चेहरे पे
जो पेशाब किया जा रहा है, मूंछ रखने पे मारा जा रहा है, मटकी छूने पे मारा जा रहा है, तो कब तक ये अब भाई अपने मुंह पे मुतवाते रहेंगे भाई? अब तो एक समय सीमा होती है अधिक जुल्म जाति सहने की। आप जितनी गोलियां चलवाएंगे, जितने हमारे चेहरों पे मुतेंगे, बहुजन समाज उतनी ही तरक्की से आगे आएगा। बहुत हो गया, अब गया वो समय। चेहरे पे मुद्दे के बाद शिवराज सिंह चौहान ने बुलाया, साथ में बैठकर खाना खाया, उसके पैर तक धोए हैं। देखिए, बात तो चुनाव है, ये वजह है, लेकिन जिसके ऊपर जो ये कांड हुआ वही बंदा लापता आज तक जांच का विषय है। पता नहीं किसको पकड़ा और माला के बिठा दिया, धो दिए पैर। ये चुनावी स्टंट है और ये बहुजन समाज अब जागरूक समाज है। अरे आप हमारे घर आए ना, यहाँ आए ना दिल्ली में खाना खाने के लिए, आइए अब वहाँ तुम तो मांग के खाते हो भाई, मंदिरों में मांग दान में आ गया तो खा लिया। आप हमारे घर आइए ना, बताओ आपसे बढ़िया खाना खाते हैं हम। रही बात बहुजन समाज की, अब वो बहुजन समाज नहीं रहा जो आप आओगे मारोगे चले जाओगे, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। और रही बात भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं ना, जिस दिन हमने संविधान साइड में रख दिया ना, उस दिन भीमा कोरे का वो भी दोहरा दिया जाएगा और इनको जो जो इनकी भावी असली जगह है वो बता दी जाएगी। या कम क्या इस देश में? आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम कुछ नहीं कहेंगे, हमारे भाई साहब नेताजी को घायल हो गए हैं, ऐसा क्यों हुआ? ये क्यों हुआ आप बताइए, क्यों हुआ कि एक हमारे जनता देख रही है और सोच रही है कि आगे ऐसा क्यों हुआ? एक महान नेता उभर रहे हुए हैं, ये जो लोग जो आजकल आए हुए हैं ये राजनीतिक कर रहे हैं, ये राजनीतिक नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये राजनीतिक का खेल खिला रहे हैं, लोगों को भ्रम फैला रहे हैं। अब वो पार्टी हमारी आ रही है, जनता जाग चुकी है, अब वो काम नहीं रह गया है। कौन सा भ्रम, क्लियरली बताइए, जनता को समझाइए, कौन सा भ्रम फैला रहे हैं? भ्रम ये फैला रहे हैं कि हम आगे आए, हमारी पार्टी आगे बढ़े, हम भाई आगे पार्टी बढ़े, हम इसको मरवा दे तो चंद्रशेखर आदमी को, एक मरेगा चंद्रशेखर तो हजारों पैदा होंगे, मेरा दावा है। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ऐसे आदमी को कोई सुरक्षा नहीं, कोई गार्ड नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, सब दबाव में आ रहे हैं, उनके सरकार के दबाव में आ रहे हैं, बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इनकी सुरक्षा की जाए और अच्छी से अच्छी मांग की जाए जो इनको चाहते हैं नेता। आपने एक बात रखी थी कि जिस आदमी के ऊपर पेशाब किया गया, आपने कहा कि उनके चरण भी धोए गए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप उस वीडियो को दोबारा देखना घर जाके, वो एक 18 या 19 साल का बच्चा है जिसके ऊपर पेशाब किया गया है, लेकिन जिसके पैर धुलवाए गए हैं मामा शिवराज चौहान जी द्वारा, वो करीब 50 से ऊपर का है आदमी, देखा होगा आपने। उस आदमी को तो पता ही नहीं जिसके ऊपर पेशाब किया गया, कहाँ पे रहता है, कहाँ से आ नहीं नहीं, फिर बाद में उसने बयान भी दिया कि पंडित जी को छोड़ दिया जाए। नहीं, वो उनका अपना आदमी था, उनका अपना सिखाया हुआ आदमी है वो, सब बोलने के लिए 5 लाख रुपया उस आदमी को दिया गया है कि बोल देना कि मेरे ऊपर ही मुता गया था, उसको शिवराज ने 5 लाख रुपए दिए हैं, ये सब बात बोलने के लिए। झूठी सरकार है, निकम्मी सरकार है। और एक उत्पीड़न, आपको कैसे पता कि उसको पैसे दिए गए हैं? ये सब चीजें हमें, जैसे उनको सब चीज पता चल जाती है ना, झूठ, जैसे उन्हें पर्ची दिखा करके सब कुछ पता चल जाता है। अपने भाई की तो पर्ची दिखाई नहीं देगी बागेश्वर वाले को, उसके भाई ने जाकर के हमारे दलितों की शादी के अंदर सारा टेंट वेंट सब जला दिया, सब डीजे वगैरह सब खाना फेंक दिया, उसने गोलियां चलाई वहां पे अपने बागेश्वर वाले को, उसके भाई को, उसके अपने भाई की नहीं दिखाई दी? दिखाई दी या नहीं दी बताओ आप? उसका जो छोटा वाला भाई है, सालिक राम नाम है उसका, उसके भाई ने ऐसा क्यों करा? और कोई बाबा को पैर छू ले अगर छोटी जाति का है तो दूर हो जाता है एक मिनट में। आपको वीडियो क्लिप भी दिखा दूंगा, एविडेंस है मेरे पास, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान और एविडेंस के साथ चलते हैं सारी चीज़ें लेकर के। ये तो हाथ भी नहीं लगाने देते बाबा, क्योंकि ये अपर कास्ट के लोग हैं, ये नहीं चाहते दलितों में लीडरशिप पैदा हो, समझ रहे हो? ये कभी नहीं चाहेंगे कि दलित आदमी कभी भी नेता बने बड़ा हो, वो चाहते कि ये सफाई कर्मचारी के बच्चे हैं, सिर्फ सफाई करते रहे। हमने ये सब काम करेंगे, हम सीधा अब नेता बनेंगे और हर आदमी को नेता बनाएंगे जितने भी हमारे समाज के लोग हैं। अब काम वो लोग करेंगे, राज हम करेंगे, ये समय आने वाला है, क्योंकि हम 85% है इस देश में। सीधी सीधी जनगणना किस लिए नहीं करा रहे? इसीलिए तो नहीं करा रहे, जनगणना करा ले तो सीधी सीधी लाइन हमारे पास आ जाएगी।
हमारे लोगों को नेता बनाया जाएगा भाई, जिसकी जितनी संख्या भारी हिस्सेदारी। सरकार डर गई है बहुजन से, बिल्कुल डरी पड़ी है सरकार, इनको पता है कि हम जाने वाले हैं, इसीलिए परेशानी में ये सारे लोग। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जैसे चंद्रशेखर भाई के पास, एक चंद्रशेखर को मार लो क्या हो जाएगा, हमारे पास तो करोड़ों लाखों पैदा हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी चंद्रशेखर आजाद हूँ, ये भी चंद्रशेखर आजाद, सभी चंद्रशेखर आजाद है, वो चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, हम फिर खड़े हो जाएंगे। कितनों को मार लोगे तुम, तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, ये याद रखना मेरी बात को। और जिस दिन हमारा समय आएगा ना, हम बताएंगे कि देश कैसे चलता है भाईचारे से, एक शांतिपूर्ण तरीके से। इनको मौका चाहिए किसी भी तरीके से मुसलमानों से झगड़ा कर दे दलित आदमी। तुम क्यों नहीं जा रहे भाई, हमारे आदमी को ले लेके कांवड़ लेने भेज देते हैं, इनके बच्चे कहाँ जाएंगे? इनका एक भी बच्चा जाता है कांवड़ लेने? किसी डॉक्टर का बच्चा देखा आपने कांवड़ लेने जाते हुए? किसी इंजीनियर का बच्चा देखा आपने कांवड़ लेके जाते हुए? क्यों नहीं जाते? क्योंकि उन्हें पता है कुछ है ही नहीं, हमारे ही लोग दलित समाज के ज्यादा वहां लोगों की आस्था पर आप सवाल उठा रहे हैं। आस्था का मतलब ही नहीं है कोई भी, क्योंकि ये सब कुछ है ही नहीं ऐसा, ये सब बेकार की बात है। अगर आस्था होती तो मोदी जी कांवड़ लेके आते ना, मोदी जी जाते हैं ना, पूजा करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। अरे मोदी जी तो जूते पहन के सीधा मंदिर में जाते हैं, वो तो जूते उतारने तक का तो टाइम नहीं है, उन्हें पता मंदिर में कुछ नहीं है, सारा सोना केदारनाथ का लूट के खा गए, कहाँ गए वो, पीतल में बदल दिया इन्होंने। केदारनाथ का सोना कहाँ है? आपको इतनी बड़ी मीडिया में चल रही है, आप तो प्रवक्ता है, आपको तो पता होंगी ये सब चीजें, कहाँ चला गया सारा केदारनाथ का सोना? सब लूट के खा गए, चुनाव में लगा दिया इन्होंने, मोदी जी का कोट पैंट खरीद लिया उन पैसों से, जो 15-15 लाख के सूट, कोई प्रधानमंत्री को सूट करती है चीजें? सूट करती है चीजें? नहीं करती है। ये लुटेरी सरकार है, जिस दिन ये सरकार, जब से ये सरकार आई है इस देश में इस कदर हिंदू मुस्लिम बढ़ गई है कि बस कोई मुसलमान भाई दिख जाए सामने, बस उसको मार देने का काम है। अभी गौरक्षा दल वाले, अभी मिश्रा पकड़ा गया है, गाय के साथ गलत काम कर रहा था, अभी मिश्रा पंडित ही था ना वो, अगर कोई मुसलमान होता तो उसकी ऐसी तैसी कर देते, ये लोग कर देते नहीं कर देते? तो अभी आप देखो न्यूज़ में क्या देख रहे हो, आप ये देखो ना, एक पंडित गाय के साथ गलत काम कर रहा है। तो साफ तौर पर आप सुन सकते हैं कि सरकार से खासा नाराजगी है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर एक चंद्रशेखर को मारोगे तो हजारों चंद्रशेखर पैदा हो जाएंगे, हम चंद्रशेखर हैं और सब चंद्रशेखर हैं, यहाँ पे जितने भी हैं वो सब चंद्रशेखर हैं। सरकार का एक मकसद है जो बहुजनों को, दलितों को, पिछड़ों को भरमा के रखती है और बेवजह के झगड़ों में फंसा कर उनसे उनका संहार करवाती है। ये सब सरकार को सुधारना पड़ेगा, और ये अब सरकार बहुजनों से डर गई है क्योंकि अब बहुजनों का सरकार बनने वाला है। देखना आपको है, बताना आपको है, क्या करना है, क्या होगा, ये सब निर्धारित आपको करना है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जनहित आवाज़ के साथ, कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी।